आशा आपण पाहता डिस्कवरी न्यूज. डिस्कवरी न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. पाहूया शहरातील काही ठळक घडामोडी. सबसे पहले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुबारक. आज ईद मिलादुन्नबी जो है, हम सब सारे आलम के मुसलमान जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है. इसलिए कि 1443 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए. अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा. सारे आलम के लिए आप एक मिसाल बन के आए, सारी इंसानियत के लिए आप एक मिसाल बन के आए. और वो सिर्फ हमारे नबी नहीं, वो सारे आलम के नबी है. अल्लाह ताला उनको चरिन परिन सबका नबी बना करके भेजा. और आपने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी, हयात ज़िंदगी आपकी इंसानों के बीच 63 साल की थी, और आप हमेशा हयात है, ऐसा हम सुनियों का यकीदा है. और हम जो भी दुआ करते हैं हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगते हैं, इसलिए कि हम लोगों का यकीदा है कि जो सारी दुनिया बनी, जो हम सब के बाप आदम पहली दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो अल्लाह ताला ने आदम को इसीलिए बनाया क्योंकि नबी को दुनिया में लाना था. दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ताला ने नबी का नूर बनाया. हव्वा और आदम जो थे, माँ हव्वा बाप आदम, इनको दुनिया में भेजा. उन्हीं की नस्ल से शीश अलैहिस्सलाम, उनकी औलादों में से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए. आप 1443 साल पहले शहर मक्का में जन्म लिए आज ही के दिन. इसलिए सारी दुनिया के, जैसा कि मुसलमानों में दो ईद ज़्यादा मनाई जाती है, एक रमज़ान और एक बकरीद, उसे कुछ लोग मीठी ईद और एक तिकी ईद कहते हैं. मीठी ईद इसलिए कि रमज़ान के महीने में 30 दिन रोज़े रखने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बाद, अल्लाह की ज़्यादा इबादत करने के बाद, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक दिन आप खुशियाँ मनाएं, तो लोग मीठा बनाते हैं शीर खुरमे की शक्ल में और ईदैन रमज़ान ईद मनाते हैं. उसके दो महीने के बाद बकरीद आती है, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से ज़बह करने के लिए निकले थे, तो अल्लाह ने उनकी अदा पसंद की और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह होने से अल्लाह ने बचाया, अपनी रहमत नाजिल की सारी दुनिया के लिए. नहीं तो आज हम सब अपनी अपनी औलादों को कुर्बान करना पड़ता. अल्लाह ने हम पर, इब्राहिम खलीलुल्लाह पर और इस्माइल ज़बीहुल्लाह पर रहम किया और सारी उम्मत पर रहम किया, नबी की उम्मतों पर रहम किया. बस इसी तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. तो ये ईद बकरीद और रमज़ान ईद जो दोनों ईदें हैं, ये ईद अपनी अपनी जगह एक बड़ी ईद है, मगर हम सुन्नियों का यकीदा है कि ये भी ईद बहुत बड़ी है. इसलिए कि सारी दुनिया, ज़मीन व आसमां, चाँद व सूरज, सितारे, समंदर, हर एक चीज़ अल्लाह ने नबी की मोहब्बत में बनाया, और उस नबी की पैदाइश का दिन है. उसे सारे दुनिया के मुसलमान नबी के लिए दरूद व सलाम भेजते हैं और एक खुशी का इजहार करते हुए जुलूस की शक्ल में रोड़ों पर निकलते हैं. मगर इस साल हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में खास करके और पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि लोग रोड़ों पर कम निकले, एक 25-50 की शक्ल में लोगों जुलूस में शामिल हो, ज़्यादातर मास्क लगाए क्योंकि अभी भी कोविड खलास नहीं हुआ है. और हमारे नबी का पैगाम है, नबी का कॉल है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून और नियमों को पालो. और हम लोगों का काम है कि हम नबी की हर बात पर अमल करें. हम, नबी ने कहा नमाज पढ़ो, हमको नमाज पढ़ना है. नबी ने कहा अच्छे इंसान बनो, हमें अच्छे इंसान बनाना. नबी का ही कॉल है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उसके कानून को भी फॉलो करो. तो ख़ास करके मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आज भी आप समझ रहे बीमारी ख़त्म हो गई, नहीं हुई है. आप लोगों को घरों से निकलना है तो मास्क लगाना है. हमने मास्क लगाए थे, बोलना है लोगों को उसके लिए मास्क निकाले, कुछ कुछ जगह पे फ़ोटो निकालना है करके मास्क निकालते हैं. तो आप लोग भी घरों से निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, बच्चे
तीन तीन ट्रिपल सीट गाड़ियों पे घूमते हैं, झंडे लगाते हैं, ये हमारे नबी का पैगाम नहीं है। झंडे लगाते अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह लगाइए, मगर हमारे झंडे से किसी और को तकलीफ ना पहुंचे इसका ख्याल रखिए। हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सब समाज के लोग एक साथ रहते और हमारी खुशी में सब शामिल होते। कुछ लोग नारेबाजी ऐसे लगाते जिससे किसी और को तकलीफ हो, ये हमारे नबी का पैगाम नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप नबी पर दरूद व सलाम भेजिए, नमाजें पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावत करिए, नबी के नाम का सदका अता करिए, कुछ खैर खैरात करिए, यतीमों के सर पर हाथ रखिए, ये हमारे नबी का पैगाम है। घरों में अगर फातिहा दरूद करते हैं तो शहद रखिए, खजूर रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा चीज़ थी जैतून रखिए, शैतूत रखिए, दूधी शरीफ का घर में सालन ग्रेवी वाला बनना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूधिया नहीं कहा, दूधी शरीफ, आप इज्जत से दूधी का नाम लेते थे। दूधी को कभी आपने ऐसा लटका के चलने के लिए मना किया, आप कंधे पे लेके चलो कहते थे। तो नबी की ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हमको अमल करना है। जुलूस की शक्ल में लोग निकलते, नमाज का वक्त होता है, नमाज छोड़ देते, नहीं नहीं, हमें जहाँ वक्त हुआ नमाज पढ़ना चाहिए। हमारा ये पैगाम होना चाहिए कि हमारी खुशी में सब शामिल हो, किसी को तकलीफ ना पहुँचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ठाणा जिले के शहरवासी नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करूँगा कि बनाई हुई गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए, किसी से उलझिए नहीं, कोई भी चीज़ अक्ल और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नरमी इख्तियार करिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन जो फैलाए वो ज़बान में मिठास रख करके फैलाए, उस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी की मदद को पहुंचने की कोशिश करिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं समझते, तो ठीक है, वो नहीं समझ रहे, देखिए आप अपना कल्चर ऐसा बनाइए कि उनके पास जो है वो देंगे, आपके पास जो है वो आप देंगे। तो आप हमारे पास एक अच्छाई देने के लिए, हमारे पास एक मिसाल के तौर अल्लाह ने हमारे आका को बीज भेजा, कुरान में लिखा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल की शक्ल में भेजा, उनको देखो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। तो हम लोगों का काम है कि नबी की बातों पर अमल भी करना है, ये नहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे लगाए और नबी ने जो कहा वो सारी चीज़ भूल जाए, नहीं नहीं, नबी की हर एक छोटी छोटी बातों को अमल करना, उस पर चलना भी सवाब है। तो सारे लोगों को मैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद करता हूँ, और ख़ास करके कल्याण में जितने भी समाज के लोग रहते हैं, जो जो लोग इस प्रोग्राम में ईद मिलादुन्नबी में खुशियाँ मनाए, बैनरें लगाए, अपने अपने तरीके से जो भी हुआ, किसी ने पानी बांटा, किसी ने समोसा बांटा, नबी के नाम पे बांटा, बेशक अल्लाह उसको अजर देगा। तो उन सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, और सारे लोगों को, न्यूज़ चैनल वालों को भी, पुलिस प्रशासन वालों को भी, म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को भी, ये सारी टीम एक दो चार दिन से काम कर रही है कि ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से और सरल। तो या होत्या डिस्कवरी न्यूज, तुम्हाला आमच्या संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकता, 9388420420। वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस, तोपर्यंत धन्यवाद। We'll be right back.